17 दिन पहले 12 नवंबर को अचानक सुरंग धसने से 41 मजदूरों की जिंदगियां मुश्किल में आ गई थी। फिर रेस्क्यू टीम पूरे दल बल के साथ इन सभी की जिंदगियां बचाने में जुट गई। इस बीच आस्था का वो दौर चला जब रेस्क्यू टीम से लेकर केंद्रीय मंत्री भी बौकनाक देवता के आगे नतमस्तक हो गए और उत्तराखंड के लोग अब इस ऑपरेशन की सफलता में साइंस और सनातन दोनों का ही बराबर योगदान मान रहे हैं। ये जीत विश्वास की है, ये जीत साइंस और सनातन की है। कहते हैं कि विज्ञान और ईश्वर में आस्था दो अलग विषय है, लेकिन उत्तराखंड के सुरंग हादसे में जिस तरह 41 जिंदगियां कैद हो गईं, उसके बाद जहां विज्ञान ने करिश्मा किया तो आस्था का चमत्कार भी होता दिखा। एक वक्त ऐसा भी आया जब आखिरी 24 घंटे सुरंग के बाहर टनल की एक तरफ से रिस कर बाहर आ रहे पानी ने जिस आकृति को उकेरा उसे शिव रूप मानकर लोगों में आस्था की अलख जगी। मंदिर है ही वहाँ पे, छोटा है ना, लेकिन मंदिर अब बाद में बनेगा, पहले वो प्राणी बचाओ। हमारे बाबा से ये प्रार्थना है कि भगवान बौकनाक देवता ये करें कि जो 40 आदमी अंदर फंसे हैं उनको पहले बचाओ। ठीक दीपावली के दिन हुए हादसे को लोग भगवान बौकनाक देवता का प्रकोप मान रहे हैं। दरअसल बौकनाक देवता में आस्था रखने वाले स्थानीय लोग टनल बनाने वाली कंपनी से नाराज थे। माना जा रहा है कि कंपनी ने इनसे 2019 में मंदिर बनाने का वादा किया था, लेकिन मंदिर का काम नहीं हुआ। कई बार लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को इसकी याद भी दिलाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों का बनाया गया छोटा सा मंदिर भी तोड़ दिया। संयोग से इसके ठीक बाद टनल में दुर्घटना हो गई। गंगोत्री धाम से सीधे ये जो महिलाएं आई हैं, इनसे आपको मिलवाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं। एक गीत भी खास सिलक्यारा अप में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके लिए इन्होंने बनाया है। आप लोग अपने गीत के जरिए बताइए आज क्या प्रार्थना कर रहे हैं आप लोग। जी, हम गीत के जरिए ये प्रार्थना कर रहे हैं नागदेवता से और गंगा माँ से कि जितने भी लोग हमारे यहाँ पे मजदूरों फंसे हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी आप बाहर निकालने के वो करें, और हमें आश है, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि वो लोग जल्दी से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। टनल के ठीक ऊपर जंगल में बौकनाक देवता का मंदिर है। यहाँ स्थानीय महिलाएं भी भगवान से इस मिशन की सफलता की कामना गाकर कर रही है। हमको मतलब भी आप बता दीजिए। जी, मैं गीत का मतलब भी आप लोगों को बता देती हूँ कि गीत के माध्यम से हम बैनाक देवता से प्रार्थना कर रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप बैनाक देवता से यही प्रार्थना है कि आप जितने भी मजदूर अंदर हैं, ऐसे क्या बिगाड़ा विधाता ने, क्या ऐसे लोगों से इतनी गलती हो गई कि आप लोग देवता के माध्यम से जो वहाँ पे देवता चाहे जो भी हो गलती हुई वहाँ पे अधिकतर वहीं पे फंसे हैं। प्रार्थना है कि उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालें, और उनसे हम अगर आज ही निकालें तो उनसे हम मिलके जाएंगे। आखिरकार यही वजह है कि सिलक्यारा सुरंग के अंदर फंसे 41 श्रमिकों की सुरक्षित निकासी के लिए बकायदा एक पुजारी को बुलाया गया। बौकनाक मंदिर के पुजारी ने सुरंग में पूजा अर्चना की और शंख बजाया ताकि रेस्क्यू अभियान सफल हो सके। इस बीच केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हो या फिर नितिन गडकरी, हादसे के बाद बौकनाक मंदिर में पूजा पाठ कर 41 जिंदगियों की जान बचाने के लिए पूजा करते दिखे। यही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सफलता के करीब पहुंचने से पहले मंदिर के आगे हाथ जोड़ते दिखे। इतना ही नहीं, दुनिया के प्रसिद्ध टनलिंग एक्सपर्ट अर्नोल्ड डिस्क ने भी पूजा कर इस रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता की कामना की। आपको बता दें कि बौकनाक देवता क्या है मान्यता, ग्रामीणों की बौकनाक में अटूट आस्था, बौकनाक की उत्पत्ति वासुकी नाग के रूप में हुई। ये भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण टिहरी जनपद के, इसीलिए एक वर्ष सेम मुखेम और दूसरे वर्ष बौकनाक में भव्य मेला आयोजित होता है। बौकनाक के मंदिर में लगने वाले मेले में नंगे पांव जाने वालों की सभी मनोकामनाएं पूरी होने की भी मान्यता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौर भी अपनी भावनाएं रोक नहीं पाए। उन्होंने ट्वीट कर माना कि साइंस सनातन है। बाबा बौकनाक जी से उत्तराखंड की सिलक्यारा डंडाल गांव टनल में फंसे श्रमवीरों के यथाशीघ्र सकुशल वापसी हेतु प्रार्थना है।
इसीलिए कहा जाता है मानो तो चमत्कार वरना नमस्कार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम आपको ये भी बताते हैं कि 2 मीटर की पाइपलाइन डाली जाने के बाद क्या होगा, ये आपको एक बार फिर से हम जानकारी देते हैं। उत्तराखंड के सिलकारी टनल में रेस्क्यू मिशन का जो काम है वो अब अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है। इसके बाद 3 टीमों में 12 लोग रेस्क्यू के लिए सबसे पहले सुरंग में जाएंगे। इस वक्त जो आपको बता दें, जो अभी चल रहा है वहां पे प्रक्रिया आप देख रहे हैं, उसके बाद किस तरह से फाइनली ये प्रोसेस खत्म होगा वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। ये टीम ही अंदर फंसे मजदूरों को स्ट्रेचर पर निकालेगी। अनुमान है कि हर मजदूर को निकालने में करीब 5 मिनट का वक्त लग सकता है, यानी कुल मिलाकर 41 लोगों को बाहर निकालने में करीब 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। इसके अलावा रेस्क्यू के तुरंत बाद किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सुरंग में एक अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है। एम्बुलेंस की तैनाती वहां पर नजर आ रही है, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, यानी कि जिन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा उनके स्वास्थ्य से जुड़ी अगर कोई भी चुनौती या कोई भी तकलीफ आती है उससे निपटने के लिए भी सारी तैयारियां की जा चुकी हैं।